हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप देखनी शुरू कर दिए हैं तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दुनिया में हर एक इंसान में किसी न किसी एक चीज की एक आदत यानी लत जरूर होती है। दोस्तों, आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे बुरी आदत यानी लत की बात करने वाले हैं, जिससे इंसान देखते देखते खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लेते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। सो लेट्स बिगिन टुडे अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियो अबाउट द एडिक्शन। फ्रेंड्स, हम सभी ऐसा अच्छा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अच्छे गुण हो और बुराई का कोई नामो निशान न हो, लेकिन बुराई रहित जीवन जीना इतना आसान भी नहीं होता। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये नामुमकिन है। दोस्तों, ऐसी जिंदगी जीना मुमकिन है, लेकिन थोड़ी कठिन है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से बहुत बहुत बुरी एडिक्शन यानी आदत है। नंबर वन, तंबाकू और शराब की बुरी आदत। फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा तंबाकू और शराब का सेवन करते हैं, और वे लोग इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन मानते हैं। और उन लोगों की तंबाकू और शराब की ये लत सेहत को बहुत 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 बुरी तरह से प्रभावित करती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन और कैंसर आदि जैसी जानलेवा या कहिए खतरनाक बीमारी भी इसी लत की देन होती है। दोस्तों, अगर आप इस बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इस तरह के शौक और ऐसी संगत से हमेशा दूर ही रहिए जो आपको नशा करने के लिए उकसाती हो। नंबर टू, बेहिसाब खर्च करने की बुरी आदत। दोस्तों, जब हमारे पास बहुत पैसा हो तब खर्च करना समझ आता है, लेकिन बिना पैसे के भी कर्ज लेकर खर्च करते जाने की एडिक्शन भी बहुत से लोगों में होती है। और दोस्तों, इन लोगों की एक खास बात पता है क्या है? ये लोग इसे बुराई मानते नहीं, जबकि इस बुरी आदत की वजह से वे धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले जाते हैं। दोस्तों, आप जिंदगी में कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जिससे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर तो दूर की बात है, अच्छे से रोजमर्रा की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत 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 बड़ी इमरजेंसी हो तब आप कर्ज ले सकते हैं, और जितना जल्दी हो कर्ज को चुका दे। दोस्तों, आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए पैसे के महत्व को समझिए और मनी मैनेजमेंट करना सीखिए, ताकि जहाँ जरूरत हो वहाँ खर्च करें और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ पैसे खर्च करने की बजाय सेविंग करें। नंबर थ्री, बहुत देर तक टीवी देखते रहने की बुरी आदत। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार टीवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये आसान और इंटरेस्टिंग दिखने वाला काम उन्हें बीमार कर सकता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी मोटापे के शिकार हो जाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी उठ सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दे कि इस तरह के लोगों में आलस और निराश जल्दी विकसित होती है। अब अगर आप इस तरह की मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं तो छुट्टी के दिन या ऑफिस से आने के बाद घंटों तक टीवी के सामने बैठे रहने से बचे। उसकी जगह आप कुछ एक्टिव काम करिए, या बच्चों के साथ खेलिए, या फैमिली के साथ बैठकर हंसिए, बोलिए, बतियाइए, इंजॉय कीजिए। नंबर फोर, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की बुरी आदत। फ्रेंड्स, कभी कभी फास्ट फूड खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग हर समय सिर्फ जंक फूड ही खाते हैं, ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर आप फास्ट फूड को कभी कभी खाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो ऐसे लत से दूर ही रहिए, वरना बहुत सारी बीमारियां आपके पीछे भी आ सकती है। नंबर फाइव, हमेशा गुस्से और तनाव में रहने की बुरी आदत। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को लगता है कि हमेशा तनाव और गुस्से में रहने से उनके सारे काम आसानी से होते जाएंगे,
और लोग भी उनसे डर कर रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते कि ये गुस्सा और तनाव उनके ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और उनकी इम्यून सिस्टम की पावर और डाइजेशन कैपेसिटी को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में अगर आप ये सब बीमारियां नहीं चाहते हैं तो खुश रहना शुरू कीजिए, क्योंकि खुश रहते हुए भी आप सारे काम आसानी से कर पाएंगे या करा पाएंगे और लोग भी आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। इसमें आपको सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो बुरी आदतें बहुत तरह की होती है, जिनमें से कुछ बुरी आदतों के बारे में हमने आज बात की है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की बुरी आदत को आप खुद में पाते हैं या अपने आसपास पाते हैं तो तुरंत उनसे दूरी बनाने का फैसला लीजिए। दोस्तों, हर बुरी आदत आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, तभी तो उसे बुरा कहा जाता है। इनसे बचने के लिए अच्छी आदतों, अच्छे लोगों और अच्छे माहौल की मदद लीजिए, ताकि आप हमेशा तन मन से स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियो को आप मिस न कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड यू टेक केयर।